नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, देश में एंटी पेपर लीक कानून लोक परीक्षा अधिनियम लागू हो गया है। अब धांधली करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से पूरे देश भर में पेपर लीक के मामले सामने आते रहे हैं, परीक्षाएं रद्द होती रही हैं, उसको लेकर एक बड़ा फैसला कह सकते हैं ये लिया गया है। और अब धांधली करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। बीते फरवरी माह में संसद में यह कानून पारित हुआ था। प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी लीक होने पर नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। नेट पेपर लीक में इसी कानून के तहत कार्रवाई की संभावना है। नेट पेपर लीक में गड़बड़ी मिलने पर इसी के तहत कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक को लेकर अब जो बड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी और जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें उम्र कैद भी हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नीट पेपर लीक में गड़बड़ी मिलने पर इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके ऊपर यह सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जो है वो लगातार परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से कराने के लिए, परीक्षाएं स्पष्ट तरीके से आयोजित हों, इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है। फेयर एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्रालय लगातार पहल कर रही है और इसी कड़ी में जो भी लोग अब धांधली करते हुए नजर आएंगे, धांधली करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान जो है वो बनाया गया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लोक परीक्षा अधिनियम के लागू होने से अब इसमें रोक आने की संभावना है, क्योंकि 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें जो प्रावधान में है वो बनाया गया है। बीते फरवरी माह में संसद में ये कानून पारित हुआ था।